पिछले दो दिन से अधिक से किश्तवाड़ में हिंसा हो रही है और जो हिंसा के समाचार आ रहे हैं वो अत्यंत चिंताजनक हैं। ईद के पवित्र त्यौहार के दिन एक जुलूस निकलता है और एक वर्ग की जितनी दुकानें हैं, जितनी गाड़ियां हैं, उनको आग लगा देना, दर्जनों लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और राज्य सरकार का ये प्रयास है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति वहां तक ना पहुंच पाए, कोई मीडिया वहां तक ना पहुंच पाए और एक प्रकार से ये पूरे देश के सामने इसकी जो सच्चाई है जो किश्तवाड़ में हो रहा है वो देश के सामने ना आ पाए। किश्तवाड़ से फैलता हुआ ये कल रजौरी तक चला गया है। इस उद्देश्य के साथ कि ये सच्चाई सामने आए, कल हम लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाएगा और जो लोग इस हिंसा से पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उन लोगों से मिलेगा और वहाँ की वास्तविकता जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक प्रकार से पूरी सेंसरशिप लगाई हुई है। किश्तवाड़ तो छोड़िए, जम्मू नगर जहाँ लगभग हिंसा नहीं हुई वहाँ भी पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया और सड़क के ऊपर कोई निकल नहीं सकता और कोई भी व्यक्ति नहीं जा पाए, इसका पूरा प्रयास था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो एक प्रकार से राज्य से बाहर निकलने का आदेश था कि आप राज्य में घुस नहीं सकते। अब ये कौन सी कानून में उनको अधिकार है, ये राज्य में घुस ना पाने का आदेश जो है ये सेक्शन 144 धारा 144 के तहत हो रहा है, जो कि आज तक इस देश में नहीं हुआ, जो एकदम गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये सच्चाई वहाँ की दबी रहे और सामने ना आए। जो लोग बार बार धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये उनके लिए चुनौती है कि ये धर्मनिरपेक्षता कि विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश में कि पहले कश्मीर घाटी से समाज के एक वर्ग को पूरा निकाल दिया गया, अब जम्मू के जो पहाड़ी क्षेत्र है, पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, वहाँ पर उनके ऊपर दबाव है कि किसी तरीके से वहाँ निकल जाए और हम लोग चाहते थे कि उनका विश्वास बना रहे, इसलिए उन विक्टिम्स के पास जाकर हम लोग बात कर पाए। लेकिन राज्य सरकार ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को रोकने का प्रयास किया और मुझे खेद है कि उनके गैर कानूनी कामों की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। वेल, फॉर द लास्ट 2.5 डेज व्हाइल द होली फेस्टिवल ऑफ ईद वाज बीइंग सेलिब्रेटेड, अ प्रोसेशन वाज टेकन आउट इन द हिल टाउन ऑफ किश्तवाड़ एंड दैट प्रोसेशन टर्न्ड वायलेंट। शॉप्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वर बर्नड, their vehicles were burnt, dozens of people were injured, some people have died also, houses have been looted, and this violence has now spread to towns like Rajouri. The BJP wanted its delegation to go there so that the confidence of the victims could be built up, as also to find out the factual situation. Now there is a complete censorship, the national media is not allowed there. Not only in those towns, but even in relatively peaceful places like Jammu, curfew has been imposed so that you can't pass through them. So when we arrived there today, a completely unconstitutional order was, illegal order was served on us, ostensibly under section 144 of the CRPC, which debars our entry into the state. And we are asked to leave the state. And the only object of this was that we should not be allowed to go there and see for ourselves what has happened. Even earlier, when such instances have taken place, we have visited those towns and appealed for peace to the people. Here also we appeal for peace. But unfortunately, the state government doesn't want to truth to come out. Now, it is widely perceived that one of the ministers of the state government, who's the Minister of State for Home, Mr. Kichlu, who belongs to Kishtwar town, is behind this entire violence. And officials like the collector and the SSP posted by him
for hours remained a silent spectator when this violence was on. Now, hopefully they've been removed yesterday, those officials. But then that will make it a case of a state-sponsored violence. What is most significant that today is the third day after this extensive violence, not one man so far has been arrested by the local police. So there is a complete anarchy, a non-accountability. So those who speak raise the slogan in this country of secularism would realize that this is one of the single greatest failures. Earlier you had in the valley, one particular community has been pushed out completely. Now the pressure is being brought on them on the hilly regions of the Jammu province. And the state is a complete silent spectator, if not colluding with this entire effort. So the state government has defended it. They are saying that now the situation is relatively calm, and if you would have gone there, things could have... Well, we were going there only to know the plight of the victims. If the state government didn't want to allow us, why isn't it allowing the media to go there and find out the truth? Will the state government tell you how many people have been arrested for this violence so far? Not one. Mr. Jaitley, will you raise this matter in front of the House tomorrow? Certainly, this is an issue which concerns the whole country, concerns India's sovereignty. The kind of photographs which these protesters were carrying, Makbul Bhatt and Afzal Guru, it speaks of the intention of the people who are doing something of this kind.